ही मेकर्स के साथ एक बड़ी डील, फिल्म के लिए स्पेशली अपॉइंट किए गए साइंटिस्ट। तो दोस्तों इस साल जून के महीने में हॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवीज जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन रिलीज होने वाली है। दोस्तों इस फिल्म का फैंस को काफी बेसब्री से इंतजार है। बता दें कि ये मूवी जून 2021 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन पैंडेमिक के चलते इसकी रिलीज को पोस्टपोन कर दिया गया और अब फिल्म फाइनली जून 2022 में रिलीज होगी। तो आइए जानते हैं कि हम इस मूवी से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और फिल्म थिएटर्स में रिलीज होने के बाद सबसे पहले कहां पर अवेलेबल होगी। वेल हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूं मासूमी और आज हम बात करेंगे हॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवीज जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं कि फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही अपने लिए एक बड़ी 18-month डील साइन कर ली है। जी हाँ दोस्तों, इस डील में ये स्पेसिफाई किया गया है कि थिएटर्स के बाद मूवी कहाँ कहाँ पर अवेलेबल होने वाली है। इस डील के लिए कई सारे बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स और बड़े बड़े कंपनीज ने मूवी के मेकर्स को अप्रोच किया गया था और कहा ऐसा भी जाता है कि इस मूवी के राइट्स के लिए काफी बड़ी नीलामी भी लगाई गई थी। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता देते हैं कि इस 18-month की डील में सबसे पहले शुरू के 4 महीने के लिए फिल्म यूनिवर्सल पीकॉक के पास रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। थिएट्रिकल रिलीज के 4 months के अंदर फिल्म यूनिवर्सल पीकॉक की वेबसाइट पर देखने के लिए अवेलेबल होगी और इसके बाद अगले के 10 महीने के लिए फिल्म प्राइम वीडियो पर अवेलेबल होने वाली है और फिर एंड में फाइनल 4 months के लिए मूवी वापस से यूनिवर्सल पीकॉक के पास चली जाएगी। अब दोस्तों बता दें कि इस 18-month डील के कंप्लीट होने के बाद फिल्म स्टार्स प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल होने वाली है। साथ ही बता दें कि इन सभी प्लेटफॉर्म्स ने मूवी के एक्सक्लूसिव राइट्स खरीदने के लिए फिल्म मेकर्स को एक काफी बड़ी रकम भी ऑफर की है। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि इस बार मूवी में हमें पिछले पार्ट से कहीं ज्यादा डायनासोर्स दिखने वाले हैं। फिल्म के लिए डायनासोर्स के कुल 18 एनिमेट्रॉनिक्स अवेलेबल किए गए हैं। बता दें कि मूवी के लिए कई सारे साइंटिस्ट को भी अपॉइंट किया गया है एंड टू बी स्पेसिफिक पेलियंटोलॉजिस्ट स्टीव ब्रुसेट ने मूवी के साइंस कंसल्टेंट की तरह काम किया है। बता दें कि स्टीव ब्रुसेट US के वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेलियंटोलॉजिस्ट में से एक है। दोस्तों ये पहली ऐसी मूवी होने वाली है जिसमें हमें फेदर्ड डायनासोर्स दिखने वाले हैं। वेल दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मूवी से और क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और फिल्म में कौन कौन से मेंबर्स का न्यू एडिशन हुआ है, ये सभी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।